टोटल हम लोग 7 आदमी सोए हैं दोस्तों इस कमरे में। देखिए एक ही कमरे में हम लोग 7 आदमी सो गए। ये देखिए दोस्तों यहीं से चूता है, देखिए वहाँ जो फटा हुआ है वहीं से चूता है पानी, देखिए पूरा एकदम भींगा हुआ है दीवार। और घर में भी पानी घुस गया था दोस्तों, ये देखिए पूरा एकदम। और यहाँ का पानी देखिए पूरा एकदम वहाँ तालाब में चला गया और हम लोग का सब चीज एकदम बर्बाद हो गया दोस्तों। ये देखिए पूरा एकदम, देखिए पूरा एकदम ढाई ढाई आवाज सुनाई दे रहा है एकदम। हम लोग कलवट के अंदर घुस गए दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम लोग यहीं पर रहेंगे क्या जी? ठंडा भी लगता है। देखिए दोस्तों बाहर कितना भयानक बारिश होने लगा एकदम, पूरा एकदम बड़ा बड़ा पत्थर देने लगा। और देखिए एकदम। हेलो दोस्तों, आप सबों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। दोस्तों अभी दोपहर हो चुका है और अभी हम लोग देखिए खाना पीना खा लिए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं दोस्तों बारी आलू कोड़ने के लिए क्या जी? हाँ। तो चलिए जी। हाँ चलिए। आलू एकदम पूरा चूहा खा रहा है दोस्तों, तो हम लोग सोच रहे हैं कि उसको जल्दी से कोड़ काड़ के उसको घुसा देते हैं घर। और कोड़ी जी वहीं पर है? चलिए। तो चलिए बारी हम लोग पहुँच गए दोस्तों। और ये देखिए पूरा एकदम चूहा खा गया है, इतना सा कोड़े हुए हैं लेकिन पूरा देखिए थोड़ा सा निकला हुआ है, देखिए कोई पथिया नहीं है। और लगभग हम लोग जो है आधा पारी कोड़ लिए हैं, देखिए इतना सा ही मात्र निकला हुआ है, बाकी सब चूहा खा गया क्या जी? हाँ। तो चलिए जी कोड़ते हैं। हाँ है ना। और वो देखिए दोस्तों कितना बड़ा बड़ा बिल है, देखिए पूरा एकदम जो दिख रहा है वो सब बिले है, देखिए वहाँ भी है वहाँ भी है, देखिए पूरा एकदम ये सब दिख रहा है, एकदम सब चूहा का ही बिल है। अब कोड़ते हैं दोस्तों आलू, दोनों पति पत्नी कोड़ रहे हैं। ये देखिए पूरा एकदम आलू नहीं निकल रहा है, जो भी निकल रहा है दोस्तों लेकिन बड़ा बड़ा निकल रहा है ये देखिए, और छोटा छोटा भी है। कटा गया जी एगो, बड़ा बड़ा वाला सब चूहा खा गया दोस्तों, पूरा एकदम आलू नहीं निकल रहा है क्या जी? बड़ा बड़ा निकल रहा है, छोटा छोटा नहीं निकल रहा। मतलब चूहा ही ज्यादा खा गया ना। देखिए जैसे इतना आलू निकला है एक फेर में, कै ठो है? 2, 4, 6, 7 रुपये, 7 गो है। 7 रुपये का है क्या जी? हाँ। 7 रुपये का 1 किलो बिक रहा है बाजार में, देखिए हमारा एक पेड़ से इतना निकला। आलू कोड़ने में पूरा मजा आ रहा है ना जी? हाँ जी, डाटो नहीं है, सूखा भी नहीं है। हाँ। और मिट्टी भी पूरा नरम है जी, नरम है, अच्छा लगता। हाँ। ये देखिए दोस्तों इतना मोटा पेड़ है आलू का, लेकिन देखिए कै गो है अभी आलू? 5, 2, 7 और 1, 8, देखिए इतना आलू निकलता है। ये थोड़ा पीछे पीछे लगाए थे दोस्तों, इसीलिए देखिए ज़्यादा बैठा नहीं है, बस इतना ही बचा हुआ है। खाने इतना हो जाएगा? हाँ खाने भर हो जाएगा, बेचने के लिए भी होगा जी। इतना खाने से सड़ने लगता है ना। ये देखिए दोस्तों रंगीला भी आ गया है आलू कोड़ने के लिए, कोड़ो बाबू कोड़ो, अच्छा से कोड़ो है ना, काटना मत। जय बजरंगबली। हाँ जय बजरंगबली करके कोड़ो। और ये देखिए दोस्तों मम्मी भी आ गई है और उधर कविता जी भी मटर खा रही है क्या जी? और ये देखिए लक्ष्मी को, लक्ष्मी भी अभी मटर खा रही है ना, लक्ष्मी पूरा एकदम खेल रही है इधर। कट गया है मम्मी ये सब? कटा दिए हैं, रंगीला कर काम है। अच्छा छोड़ दीजिए, बच्चा है ना, लेकिन काटना मत बाबू, देखो कितना आलू बर्बाद कर दिया ये, पूरा एकदम आलू खराब कर दिया, कितना काट दिया, इतना नहीं काटना है, अच्छा से करो नहीं तो छोड़ दो, पूरा आलू कट रहा है एकदम, सेट हो जाओ सेट हो जाओ। तो ये देखिए दोस्तों पापा भी आ गए हैं और हम लोग देखिए इतना आलू कोड़ लिए हैं, और पापा और मम्मी देखिए अभी दोनों आलू कोड़ रहे हैं। और इधर देखिए लक्ष्मी भी पूरा एकदम खेल रही है एकदम मस्त एकदम क्या जी? आज बहुत खुशी में। हाँ पूरा एकदम खुश से खेल रही है। तो चलिए जी वहाँ पर रख देते हैं। हाँ चलिए आइए, यहीं पर कुरा दीजिए। हाँ, यहाँ पर और भी आलू है। हाँ, चलिए हो गया। हाँ, लीजिए पापा रख देते हैं यहाँ पर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दोस्तों गोईठा बिछने के लिए, आलू पकाएंगे आज बारी में ही क्या जी? हाँ। तो चलिए चलते हैं। हाँ चलिए। देखिए इधर दौरा है, दौरा ही लेकर के चलते हैं। हाँ चलिए चलो बाबू चलो चलो। मेरा शादी का है ये। अच्छा आपका शादी वाला है ना। हाँ। देखिए अभी तक लग कर ले। अच्छा इसी में आप घुस करके बैठे थे ना। हाँ। अच्छा यही वाला दौरा में घुसी थी दोस्तों एकदम कविता जी, और इसको पकड़ करके निकाल रहे थे ना। हाँ। जीजाजी लोग। हाँ। अच्छा चलिए आज इससे लाएंगे गोईठा, पूरा एक डोगरा भर करके लाएंगे। आपका देखिए शादी का निशानी गिरा दे रहा है जी बाबू।
तो हम लोग आ गए हैं दोस्तों टाँग तरफ, और ये देखिए गोबर इधर ही पूरा एकदम सूखा सूखा गोबर मिल रहा है, गोइठा ना जी, चलिए उठाते हैं। दिया लग गया है ना, उठाओ बाबू बढ़िया से उठाओ, गिर रहा है अपने। चलिए चलिए उधर और आगे चलते हैं। हाँ चलिए। अब बाबू कहाँ आया, इधर टाँग तरफ कहाँ आया, टाँग तरफ गोइठा बिछने, हम लोग तो आए थे बिछने के लिए इधर। अच्छा तुम भी बिछेगा, और बाबू का चप्पल देखिए दोस्तों कितना छोटा है, ये देखिए पूरा एकदम इतना छोटा पहन लिया है तो कैसे होगा, पूरा छोटा चप्पल पहन लिया है। ये देखिए पूरा एकदम। उधर कविता जी बिछ रहे हैं दोस्तों, और हम इधर बिछ रहे हैं, यही सब में बिछते हैं। देखिए पूरा एकदम सूखा सूखा गोइठा मिल रहा है, जमा कर देते हैं, उसके बाद में एक ही बार इसको उठाएंगे, और भी इधर खोज लेते हैं। ये देखिए पूरा एकदम सूखा सूखा गोइठा मिल रहा है, पूरा एकदम ये सब में बैल बकरी एकदम पूरा एकदम आता है दोस्तों, तो यही सब में पूरा एकदम मिल जाता है गोइठा। और देखिए दोस्तों कविता जी उधर बीच रही है, और ये देखिए जी इतना जमा किए हुए है, देखिए यहाँ पर, हाँ ये खेत में उठा लीजिएगा। ये देखिए मस्त एकदम सूखा सूखा गोबर मिल रहा है दोस्तों, पूरा एकदम सूखा गोइठा है, ये सब आग बहुत ही मस्त जलता है एकदम। और ये देखिए दोस्तों हम लोग इतना गोइठा जमा कर लिए हैं, पूरा बीच लिए हैं, आधा दौरा हो गया ना जी। हाँ आधा थी हो गया। हाँ चलिए आप उधर बीचते हैं। हाँ। डालिए इसमें। हाँ, डालिए। चलिए इतना गोइठा हम लोग बीच लिए दोस्तों, अब चलते हैं बाहरी, वहीं पर आलू पकाएंगे। चलिए जी। हाँ चलिए। चलिए उठाइए। अब हम लोग सीधे बाहरी चलते हैं दोस्तों, बहुत गोइठा हो गया है, अब इतना ही बीचते हैं। कविता जी बोल रही है दोस्तों बहुत भारी लग रहा है, तो हम ले देते हैं। लीजिए जी। हाँ लीजिए। भारी है जी? नहीं जी, आप बोल रहे हैं कि भारी लग रहा है, हमको तो भारी नहीं लग रहा है। बहुत भारी जी। कैसा लग रहा है जी बताएं? हाँ बताइए। जिस तरह से मोर सराने के लिए ले जाते हैं ना, इसी तरह से लग रहा है इधर। हाँ पूरा मजा लग रहा है इधर। हाँ मोर सराने के लिए कैसे ले जाते हैं? ऐसे ही ले जाते हैं ना। हाँ। उसी तरह से लग रहा है इधर, और दौरा भी एकदम वही शादी वाला है। हाँ, आपका शादी वाला। हाँ। क्या गोइठा लेकर के आ गए दोस्तों बारी, यहीं पर रखते हैं जी। हाँ इसको उतार दीजिए, पटके ना जी, दौरा टूट जाएगा जी। और ये देखिए दोस्तों सुबह ही हम लोग आलू पका करके खाए हुए थे, पूरा एकदम उसी का निशानी है क्या जी। हाँ। बहुत ही अच्छा लगता है एकदम गोइठा का पका हुआ आलू, और ये देखिए इतना मोटा मोटा आलू है, इतना बड़ा बड़ा कि एकदम मजा आ जाएगा एकदम खा करके क्या जी। हाँ तो आग जलाते हैं दोस्तों, देखिए एक ही बार में जल गया दोस्तों, और बारिश का मौसम देखिए एकदम कैसा बना दिया है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ अभी कर रहा है एकदम पूरा एकदम क्या जी। हाँ जी। चलिए जल्दी से इसको जलाते हैं। नहीं है यार पानी आ रहा है। पानी का दिन तो नहीं है जी, लेकिन आ रहा है देखिए ना, प्राकृतिक भी कैसा चीज है, पूरा उछल दें जी। हाँ। सब एक ही बार जला देते हैं ना। हाँ। जय श्री राम। सब गोइठा एक ही बार डाल दिए दोस्तों, ये देखिए पूरा एकदम मस्त जल रहा है, और लक्ष्मी को देखिए कितना मस्त एकदम गोदी में बैठी हुई है, तो अभी हल्का हल्का हवा चल रहा है दोस्तों, तो देखिए कितना मस्त आग जल रहा है, ये देखिए पूरा एकदम हदहदा के हदक गया, पूरा गोइठा जल गया है दोस्तों। अब इसको हटा देते हैं, थोड़ा थोड़ा साइड कर देते हैं। हाँ, उसके बाद में आलू छिकेंगे। कितना ताव है जी, पूरा ताव है जी, सीढ़ी गए जी, देख रहे हैं झिके जी। हाँ झिक दीजिए। पकेगा इतना बड़ा बड़ा? हाँ जी, उससे बड़ा बड़ा पकेगा। तो चलिए जी डालिए, फटाफट डालिए। अभी देखिएगा ना, अभी 10 से 15 मिनट में पक जाएगा एकदम सारा आलू पक जाएगा। आलू तो डाल दिए दोस्तों आग में, अब हम लोग घुसते हैं कलवट के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा बिजली कड़क रहा है, ये देखिए पूरा एकदम, और अंधेरा कर दिया है, तो चलिए जी यहाँ पर बचते हैं। हाँ, चलिए
यहाँ लोहा है जी। लोहा है तो क्या होगा जी, अंदर चलिए ना। हाँ, तो? नहीं यहाँ पर नहीं आएगा, चलिए ना उधर चलिए। हाँ, और लकड़ी के ऊपर में रहिएगा, है ना। हाँ। चलिए ये सब साइड कर दीजिए, बहुत ज्यादा बिजली कड़क रहा है। तो हम लोग घुस गए हैं दोस्तों कलवट के अंदर, और वहाँ पर आलू पक रहा है, पूरा एकदम बिजली कड़क रहा है दोस्तों। हो सकता है बहुत ज्यादा बारिश होगा, पूरा एकदम अंधेरा कर दिया है क्या जी। हाँ जी, यहाँ भी तो एकदम अच्छा लग रहा है जी। क्या यहाँ भी अच्छा लग रहा है? बहुत मच्छर है। मच्छर है यहाँ पर, कोई नहीं ना रहते हैं। हाँ, इसीलिए मच्छर है, बहुत मच्छर है। हाँ, नहीं तो वहाँ पर कहाँ मच्छर है। भन भन देखिए। हाँ, यहाँ पर है मच्छर, लेकिन वो वाला कलवट में नहीं है जी, है ना। हाँ, नहीं, क्योंकि वहाँ पर बराबर रहते हैं ना। हाँ। इसीलिए ये देखिए दोस्तों बाहर का मौसम कैसा कर दिया है, एकदम पूरा एकदम बादल ढक दिया है, एकदम पूरा देखिए पूरा एकदम काला काला दिख रहा है, और बहुत जोर से बारिश हो रहा है दोस्तों। और देखिए पत्थर पानी कितना दे रहा है, एकदम पूरा बड़ा बड़ा पत्थर गिर रहा है। और वहाँ पर देखिए दोस्तों प्लास्टिक डाल दिए थे वहाँ पर आलू में, लेकिन वो भी उड़ गया है पूरा, एकदम हवा भी चलने लगा एकदम तेज। देखिए दोस्तों बाहर कितना भयानक बारिश होने लगा, एकदम पूरा एकदम बड़ा बड़ा पत्थर देने लगा। और देखिए एकदम पूरा एकदम डींगा हो गया है दोस्तों, एकदम पूरा एकदम जमा हो गया, एकदम सफेद सफेद देख रहे हैं आप लोग, वही एकदम पत्थर पानी। हम लोग कलवट के अंदर घुस गए दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम लोग यहीं पर रहेंगे क्या जी। ठंडा भी लगता है, ठंडा भी नहीं लगता है, और एकदम पत्थर पानी से एकदम पूरा एकदम बचाव के लिए बहुत ही सुरक्षित जगह है। इधर देखिए पूरा एकदम ढाई ढाई आवाज सुनाई दे रहा है एकदम। तो दोस्तों अभी पानी छूट गया है, ये देखिए एकदम हल्का हल्का बंदा बूंदी दे रहा है ना जी। हाँ। और ये देखिए दोस्तों अभी भी देखिए पूरा एकदम बारिश का मौसम बनाया हुआ है, एकदम लग रहा है कि एकदम बहुत ज्यादा बारिश होगा, है ना जी। हाँ जी। देखिए एकदम चारों तरफ से पानी आ रहा है, देखिए पूरा एकदम बह बह करके एकदम आ रहा है पूरा एकदम पहाड़ से, और हम लोग का सब चीज़ एकदम बर्बाद हो गया दोस्तों। ये देखिए पूरा एकदम आलू यहाँ पर रखे हुए थे, पूरा एकदम पत्थर मार दिया है, ये तो सड़ ही जाएगा पूरा एकदम। हाँ, और ये देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर आलू झिके हुए थे, देखिए ये भी तहस नहस हो गया है। देखिए जी पका है, पका है, देखिए आलू भी नहीं पका है दोस्तों, और देखिए पूरा एकदम कैसा हो गया है, और ये पकेगा भी नहीं, और सब बर्बाद हो गया दोस्तों हम लोग का। देखिए पूरा एकदम तहस नहस हो गया, एकदम इतना ज्यादा पत्थर पानी दिया ना, पूरा हम लोग का एकदम बर्बाद हो गया। देखिए दोस्तों बाबू भी आ गया है, ये देखिए पूरा एकदम। कहाँ आया बाबू, इधर बारिश हो रहा है, कहाँ आया, घर से? हाँ, यहाँ पर आलू अभी मिलेगा, अभी बहुत बढ़िया से मिलेगा, सब तहस नहस हो गया, सब बर्बाद हो गया। और ये देखिए दोस्तों हम लोग का ये भीड़ भी फूट गया, ये देखिए पूरा एकदम कैसे हो गया है, और यहाँ का पानी देखिए पूरा एकदम वहाँ तालाब में चला गया, बहुत कुछ बर्बाद कर देता है दोस्तों। इस तरह से पानी आता है ना, पूरा एकदम हम लोग का फसल ही बर्बाद हो जाता है, या तो फिर हम लोग का ये भीड़ वगैरह सब चीज़ बर्बाद हो जाता है। आलू यहाँ पर नहीं पकेगा बाबू, अब छोड़ो। ये देखिए दोस्तों बाबू अभी आलू मजा मार रहा है, अभी पका है बाबू, मजा लग रहा है, मुड़ी हिला रहा है। हाँ, आलू सब निकाल लिए हैं दोस्तों, ये देखिए आलू कच्चा ही है एकदम, पका हुआ तो नहीं है, इसको घर में जा करके पकाएंगे। तो चलिए जी। हाँ, चलिए आइए। चलिए ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा बड़ा पत्थर है, ये देखिए पूरा एकदम जमा हुआ, पूरा एकदम जमा हो गया है, ये देखिए बड़ा फेंका। हाँ, इतना बड़ा बड़ा पत्थर है दोस्तों, खाई देखे पूरा एकदम, खा के का देखेगा, ये चीनी थोड़ी दिया हुआ है, जो मीठा लगेगा, कैसा लगा? पान पान लगा। हाँ, तो ये पानी तो है ही है। और देखिए दोस्तों कितना खेत में पानी भर गया है, देखिए पूरा एकदम हम लोग जो जेसीबी में लगा करके सरियाए थे दोस्तों, पूरा एकदम पानी भर गया है। ये देखिए दोस्तों हम लोग गिलास जोड़े हुए थे, पूरा एकदम प्लेन हो गया है, पूरा एकदम धोआ गया दोस्तों, ये और भी मजबूत हो गया एकदम, पूरा एकदम पकड़ बना लिया। तो चलिए जी यहीं पर रख दीजिए। हाँ। और चप्पल डाल लिया है जी। हाँ, बारी में था चप्पल। अच्छा, उठा दीजिए उसको। और घर में भी पानी घुस गया था दोस्तों, ये देखिए पूरा एकदम भींगा हुआ है पूरा एकदम जमीन, मतलब चारों तरफ से पानी आ रहा है दोस्तों, एकदम हम लोग का पूरा दिक्कत हो रहा है। ये देखिए दोस्तों यहीं से चूता है, देखिए वहाँ जो फटा हुआ है वहीं से चूता है पानी, देखिए पूरा एकदम भींगा हुआ है दीवार, देखिए इधर भी आ गया है सभी। हाँ। और उधर से ही चू करके यहाँ पर देखिए पूरा एकदम जमीन भींगा दिया है। हम लोग एकदम काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है दोस्तों, जब तक हम लोग का कलवट घर नहीं बनेगा तब तक हम लोग का बहुत ही काफी दिक्कत है। हाँ, दो बाबू क्या है आलू, सब पकाना पड़ेगा, सब कच्चा है। अभी रात हो चुका है दोस्तों, और देखिए हम लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं, क्या सुनम। और ये देखिए दोस्तों अभी लाइन भी कटा हुआ है, काफी हम लोग का दिक्कत हो रहा है। हम लोग का तो किसी तरह से खाना बन गया दोस्तों, हम लोग का देखिए सब्जी भी नहीं बना है, सिर्फ भात बना और हम लोग का काफी दिक्कत होने लगा, वहाँ पर पानी आ गया तो बहुत दिक्कत से भात बना है दोस्तों, और हम लोग का सब्जी वगैरह कुछ नहीं बना, सिर्फ हम लोग चटनी से ही खाएंगे अभी, क्या सुनो, आलू का चटनी और धनिया का चटनी। हाँ, और उधर देखिए दोस्तों जो लोहरा सिरट है उसी से हम लोग धनिया चटनी पीसे हुए हैं,
और ये देखिए आलू का चटनी जो वहाँ पर पकाए थे दोस्तों, उसमें भी पूरा अच्छा से नहीं पका हुआ था, उसी को किसी तरह से उसको चापते हैं क्योंकि यहाँ पर आग जलाने का भी सुविधा नहीं है, इतना ज्यादा बारिश हो गया है तो हम लोग का पूरा चूल्हा वगैरह सब भींग गया है। तो हम लोग देखिए उसी को किसी तरह से इसको चपटा किए हैं और अभी चटनी बनाए हैं, इसी से खाएंगे। क्या सोनम? इसी से खाना पड़ेगा। हाँ, और सोनम के पास तो देखिए थोड़ा सा है सब्जी, दिन का ही बचा हुआ था सुबह वाला, तो वही वाला भी खा रही है। तो दोस्तों हम लोग खाना पीना खा लिए हैं और आ गए हैं देखिए ये वाला घर में, वहाँ पर भी पूरा एकदम पानी वगैरह से भींग गया है दोस्तों, एकदम पूरा एकदम फूटा हुआ है, एकदम छाने फूट गया है। और यहाँ भी देखिए पूरा एकदम फूटा हुआ है, देखिए पूरा एकदम पत्थर मार के फोड़ दिया है, देखिए इधर भी है उधर भी है। अभी रात है दोस्तों इसीलिए नहीं दिख रहा होगा, लेकिन पूरा एकदम फूटा हुआ है, देखिए पूरा एकदम पानी चुआ हुआ है, ये देखिए पूरा एकदम पानी अभी बह रहा था। क्या पापा? अभी थोड़ा थोड़ा मतलब सूख गया है, पानी छूट गया इसीलिए। और हम लोग का तो एकदम काफी दिक्कत हो रहा है दोस्तों, लाइन भी नहीं है और पूरा एकदम वो घर भी भींग गया है, पूरा एकदम बिछाना वगैरह सब भींग गया है, और वो कलवट घर तो हम लोग उजाड़ ही दिए हैं, तो पूरा एकदम वहाँ पर झाटिया से एकदम पूरा एकदम भींग गया है एकदम पूरा आंधी तूफान से। क्या पापा? तो हम लोग को तो पूरा परिवार को यहीं पर सोना पड़ेगा दोस्तों, अब हम लोग का तो कोई उपाय है नहीं, तो चलिए सोते हैं, है ना? चलिए साइड है ये भाभी। हाँ साइड है। इसमें मम्मी सोनम और कविता जी सब यहाँ पर सोएंगे दोस्तों, और हम लोग वहाँ पर जाएंगे। तो चलिए पापा चलते हैं। और ये देखिए दोस्तों रंगीला सो गया एकदम पूरा, और मम्मी तो एकदम झोप रही है। क्या हुआ माँ? पूरा नींद आ रहा है। अच्छा, और पापा देखिए उधर चले गए। कलोट घर तो हम लोग का जुगाड़ था दोस्तों, बहुत बढ़िया जुगाड़ था, लेकिन वहाँ भी एकदम पूरा एकदम खोल दिए हैं, एकदम पूरा उजाड़ दिए हैं, तो वहाँ भी पूरा एकदम आंधी तूफान से एकदम झाटा से भींग गया है, पूरा एकदम झाटा से घुस गया है। तो हम लोग का एक रात का बात है, इसी तरह से बिताएंगे किसी तरह से। क्या पापा? हाँ। तो चलिए सोते हैं। तो दोस्तों हम लोग अपना अपना जगह पे आ गए हैं, देखिए इधर वाले में हम और पापा सोएंगे, और उधर देखिए कविता जी और माँ और सोनम उधर सोएंगे, और ये देखिए दोस्तों रंगीला तो पहले ही सो गया है, और लक्ष्मी देखिए अभी तक सोने का नाम नहीं ले रही है, पूरा एकदम खेलने के लिए खोज रही है। सो गए एकदम, आज तो किसी तरह से बिताना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही काफी हम लोग का दिक्कत हो रहा है। देखिए कल सुबह अगर धूप उगेगा तो फिर सूख जाएगा सब चीज, तो दिक्कत नहीं होगा। उधर देखिए दोस्तों पांच आदमी है टोटल, रंगीला और लक्ष्मी लगा करके, और हम लोग इधर देखिए दो आदमी है, टोटल हम लोग सात आदमी सोएंगे दोस्तों इस कमरे में। और देखिए बारिश भी शुरू हो गया, आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा ठप 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 ठप। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।